शिवा, जिस लड़की ने गलती की उसे घर ले जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी बेटा, वो हिम्मत तुमने मुझे दी। मुझे बहुत फक्र है कि मैंने तुम्हारी परवरिश की। चलती हूँ बेटा। अरुणा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पर तुमने फिर से मेरी जिंदगी संवार दी। धन्यवाद शिवा। मुझे देखो अरुणा, हमेशा माँ बाप के साथ रहना, उन्हें कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम दुनिया देख पाते हैं। अब मुझे फिर से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। चलो चलो। शिवा यार, तू अरुणा को इतनी हिम्मत देता है तो फिर उससे शादी क्यों? की शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए और अब तक कार्ड्स नहीं बटे। ये टाई शर्ट पहन के नवाब बनने से काम नहीं होता है। लो पकड़ो कार्ड्स और काम खत्म करो। डैडी, क्या हुआ? सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे ये शादी नहीं करनी डैडी। बेटा 4 दिन बाद शादी और तुम ये बात अब बता रही हो? मुझे प्रताप पसंद नहीं है। आई एम सॉरी डैडी। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुमने जो बात कही वो गलत तो नहीं है बेटा, पर गलत समय पे कही है। कोई ऑर्डर कैंसिल करने के लिए भी 2-4 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन बाप होने के नाते तुमने मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया। जब उससे शादी तय हुई थी तभी बता देती, या फिर जब शादी के कार्ड्स बंटने शुरू हुए उससे पहले बता देती। अब क्यों बता रही हो? हमारे सारे रिश्तेदार कल से आना शुरू हो जाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब सुनो, ये शादी होकर रहेगी और ये शादी उसी तारीख को होगी। अगर तुम्हें हमारा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें इस शादी के लिए राजी होना होगा, वरना उसी दिन तेरे बाप की अर्थी निकलेगी। आइए ना। ये शिवा कौन है? जी मैं ही हूँ, हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। रोज न जाने कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं, हर किसी की शक्ल थोड़ी याद रहती है, और शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी शक्ल कुछ याद नहीं है। क्या करे, मेमोरी वीक हो गई है। वैसे भी तुम में याद रखने जैसी चीज तो कोई है नहीं, तुम कोई वीआईपी तो हो नहीं। मेरी बेटी ने बताया तुम अच्छे कोको केटरिंग संभालते हो। खाने में क्या क्या डालने से उसका जायका बढ़ जाता है ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, और ठीक उसी तरह मेरी बेटी के मन को किस तरह बदलना है ये बात मैं जानता हूं। तुम जिस होटल में खाना बनाया करते हो ना, भविष्य में उस होटल का मालिक मैं होने वाला हूं, पता है ना? मेरी बेटी की शादी में सिक्योरिटी पे मैंने जितना पैसा खर्च किया है ना, उतनी तुम्हारी पूरे साल की भी इनकम नहीं होगी। तुम जैसे छोटे लोग बड़े घर की लड़कियों को पैसों के लिए फंसाते हैं ये बात मैं जानता हूं। ये लो, ब्लैंक चेक है। इसके बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर मत आना। इस चेक की कीमत शायद 2 रुपए होगी, ये लीजिए। देखा आपने, जो पैसा मैंने आप पर दे मारा, आपको कितनी ठेस पहुंची। आपने जिस पैसे की बात की, वो चाहे आपके पास कितना भी हो, पर मरने के बाद तो आप कुछ साथ नहीं ले जा सकते। आपके पैसों का सुख कोई और उठाएगा, यही तो जिंदगी है। मरने के बाद पैसे की कोई कीमत नहीं होती, ये बात पूरी दुनिया जानती है।
पर इंसान के जिंदा रहने तक पैसे की क्या कीमत है ये भी दुनिया जानती है। और उसी पैसे के जोर पे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। कार? हाँ। बंगला? हाँ। आपकी बेटी की खुशियाँ? वो भी खरीद सकता हूँ। अगर खरीद सकते हो तो आप यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि शायद मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी रुक ना जाए? इसीलिए यही होती है प्यार की ताकत। इसे ना ही कोई बेच सकता है और ना कोई खरीद सकता है। आपके घर पे पैदा हुई है ना, इसीलिए शायद उसे प्यार की ताकत नहीं पता। आप जा सकते हैं। अनजाने में मुझसे दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हो? याद रखो, किसी के साथ दुश्मनी करता नहीं हूं, लेकिन अगर अगला मेरे से दुश्मनी करना चाहता है तो पीछे भी नहीं हटता। देखो, फिलहाल तुम पर प्यार का भूत सवार है, इसलिए पैसा ठुकरा रहे हो। ये 1 करोड़ का चेक है। इतनी बड़ी रकम देखी नहीं होगी, अच्छी तरह देख लो, क्योंकि 1 घंटे बाद तुम बैंक में नजर आओगे। ए, तुम सब यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, संध्या कमरे में अकेली है, जाकर उसे तैयार करो। जाओ जल्दी। I love you. संध्या, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? या किसी के दबाव में आकर तुम मुझसे I love you कह रही हो? शिवा, जिस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, दरअसल उसी वक्त से मैं तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हें बहुत भूलने की कोशिश की, उसके बावजूद भी तुम्हें भूल नहीं पाई। तुम्हें ना प्यार करने के मैंने बहुत से बहाने ढूंढे, पर तुम्हें प्यार ना करने का कोई बहाना नहीं मिला। अब बस कुछ ही देर में प्रताप से मेरी शादी होने वाली है, पर मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो शिवा, और मेरे प्यार को कबूल करो। प्लीज शिवा, प्लीज, प्लीज शिवा। What is this? इसे यहाँ डाल। सुनिए जी, संध्या मिल नहीं रही है। संध्या मिल नहीं रही है? क्यों?
जाकर बैठो। गो आई लाइक इट। हाँ अरे एक मिनट, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, जरा एक मिनट साइड में आओगे? मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा, बाद में बात करते हैं ना। अरे शुभ मुहूर्त तो अभी शुरू हुआ है यार, आ जाना बात कर लेते हैं। अंदर चलिए। ये दामाद जी कहां चले गए? मुझे कैसे पता होगा? अनाउंसमेंट करा दो क्या? अपना मुंह बंद रखो। अंकल अंकल अंकल, कूल 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 डाउन। दामाद जी ये क्या है? दामाद मैं नहीं, वो है आपका दामाद। शादी में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, लगता है दूल्हा बदल गया है। ये दूल्हा कैसे बदल गया? हाँ सच में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या हुआ? पंडित जी मंगलसूत्र कहाँ है, भूल गए क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ दीजिए दीजिए। अरे शादी हो रही है, सब लोग खुशियाँ बनाओ। हाँ अरे लीजिए, फूल डालिए। संध्या ये हमारी फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट में लड़की जरा शर्माती है, और तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम टेंशन ले रही हो। नहीं नहीं, रूम में ले जाकर तुमने प्रताप के साथ क्या किया? दुल्हन को फर्स्ट नाइट में ये बातें नहीं करनी चाहिए, चुपचाप अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अरे प्लीज प्लीज बताओ ना, रूम में जाने के बाद क्या हुआ? अरे इस रूम में क्या होने वाला ये सोचो ना, उस रूम की बातें जानकर क्या करोगी? मेरी बात मानो ना संध्या। अरे अभी भी नहीं बताया तो मेरा सर फट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ। इस तरह शादी के मंडप से अकेले में ले जाकर टाइम पास कर? नहीं मारा था, लेकिन आज मार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि संध्या मुझसे प्यार करती है। आज के बाद अगर उसकी तरफ कोई देखेगा भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसके बगल में जाकर बैठ गया? वो दिन कुछ और थे जब संध्या मेरी पहुंच के बाहर थी, लेकिन आज संध्या मुझ पर मर मिटने के लिए तैयार है। तो तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? ए, 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 ए। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके लड़कियों को फांसना तेरा धंधा है ना, इतना बड़ा सांड की तरह हो गया है, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि संध्या मेरी है? सर 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 सर, आज से सारी लड़कियां मेरी बहन है सर, किसी को भी गलत नजर से नहीं देखूंगा, मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा सर, मेरा विश्वास कीजिए। चलो उठ उठ। सारी लड़कियों को तूने बहन बुलाए तो संध्या, संध्या भी तो तेरी बहन ही हुई ना। अरे रे रे रे, कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं तो ये सब पैसों के लिए करता हूँ, पैसे मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। ये बता लड़कियों को फांसना ये तूने अपना धंधा क्यों बना रखा है, बोलना। पैसों के लिए। इस शादी में तुझे दहेज में कितने पैसे मिलने वाले थे? वो अरे वो क्या जितने है वो बोल। वो 50 लाख रुपए। हाँ
ये ले, संध्या के बाप ने बिना नाम का मुझे 1 करोड़ का चेक दिया है, इसे तू बैंक में लेके जा और इनकैश करवा ले जा। 1 करोड़? ये प्रताप इतना बेकार आदमी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताता तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। मैं चाह रहा था कि तुम मेरे प्यार को समझो, और इसलिए मैंने ये सारा खेल खेला जिससे सच तुम्हारे सामने आ गया और अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, और तुमने उसे 1 करोड़ का चेक क्यों दिया? अरे बेकार आदमी को मैं ऐसे पैसे दे दूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? फिर तुमने उसे चेक क्यों दिया? तुम मुझे भी नहीं जानती और अपने पापा को भी नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से जानता हूँ। लाला रीजा, लाला रीजा। शादी के मंडप पे तुम्हारा बहुत अपमान हुआ, लेकिन इसके बावजूद तुमने बड़े मन से मुझे माफ किया और मेरी इज्जत बचाई। अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती तो मैं उसकी शादी पक्का तुमसे करवा देता, पर क्या करूं, एक ही बेटी है और उसकी शादी हो गई है। इट्स ओके, इट्स ओके अंकल, संध्या खुश रहे और क्या चाहिए। हाँ, यही सोचकर तो उस शिवा को मैंने 1 करोड़ का ब्लैंक चेक दे दिया था, उसके बावजूद उसने मेरी बेटी से शादी कर ली, तो अब मैं उसे पैसे क्यों दूं? और इसीलिए मैंने वो चेक कैंसिल करवा दिया। अंकल, ये क्या कर दिया अंकल? मेरा जानू। मेरा दिल जो सोचता है वो मैं कहता हूँ और जो दिमाग सोचता है वो मैं करता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है। वर्कआउट हो गया।